किए पाँव जलते हैं, उतर के राह पे देखो किए पाँव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। डरो मत, मैं चाहता तो बहुत पहले ही तुम्हें मार देता, पर नहीं, मुझे लोग वैशी कहते हैं, पर मैं वैशी नहीं हूं। वैशी होता तो तुम यहां आज सांस नहीं ले रहे होते। ये तो मेरी दया है, दया। अब तुम ये पूछोगे कि ये दया मैंने क्यों की? वक्त की अहमियत वक्त आने पर ही पता लगती है, और अब वक्त आ गया है। पर मौत के उस तांडव में सिर्फ तुम ही नहीं बचे, कोई और भी बचा। तुम्हारी बेटी लीला, नहीं भाई साहब, वक्त भी गजब मस्खरा है। वही लीला यहां है, राजपुरा में। सविता कहते हैं सब उसे गांव में, बड़ा नाम है उसका। अब देखो ना, मौत जिंदगी तलाशती है, और यहां खुद जिंदगी अपने मौत का निवाला बनने चली आई है। नहीं कांता, सबका अपना नजरिया होता है, बिना उसे जाने कोई राय बनाना सही बात नहीं है। पर जीजी, सुनहरी आई है आज, मैंने शायद तुमसे कुछ पूछा है। वो सुबह से तो देखा नहीं, वैसे हमेशा वक्त पर आ जाती है, शायद आज कोई काम आ गया होगा। मैंने सिर्फ इतना पूछा है कि वो आई है या नहीं आई है। उसकी दलील देने की कोई जरूरत नहीं है। आप तमीज के दायरे में रहकर ही बात करें तो अच्छा होगा। होती कौन है आप यहाँ पर आकर हमसे जवाब तलब करने वाली? किसने दिया आपको ये हक? हाँ, आपकी बदतमीजी हम सह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम आपसे दबते हैं, लिहाज करते हैं आपका, समझी ना? जीजी, जीजी आपसे मुझे कितनी बड़ी है, फिर भी आप उनसे कितनी बदतमीजी से बात कर रही हैं, अब वो बर्दाश्त करती जा रही हैं, हाँ? क्या समझ में आपके आपको? कांता, छोड़ो ना, कोई बात नहीं, कहने दो जीजी, कहने दो मुझे, हाँ? ये लोग बस एक ही भाषा समझते हैं, बस, बस, अपनी और बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं।
घर में कैद हो गई हूँ मैं। कौन करेगा कैद आपको? बड़े साहब, बड़े साहब। अच्छा इधर आइए, बैठिए। मुझे मुझे ना ही कहीं जाने की इजाजत है और ना ही कोई बाहर वाला मुझसे बात कर सकता है। मैं पापा से मिलना चाहती हूँ पर मैं उनसे फोन पे भी बात नहीं कर सकती। वो मार देंगे मुझे, वो जान से मार देंगे मुझे, वो मार देंगे मुझे। मरेगी तू। तू जरूर मरेगी। ये घर नहीं, शमशान है। शमशान ये घर लाशें खाता है, लाशें। मरेगी तू, मरेगी। ये लो चाय। अब तक नाराज हो, माफी तो मांगी है ना मैंने? कम से कम बताकर तो जा सकती थी। अच्छा चल बता, डॉक्टर ने क्या कहा? अभी एक जांच की रिपोर्ट आ गई है जिससे पता चला है कि मुझे आरटीआई है। आरटीआई? ये क्या होता है और ये तुम्हें कैसे हो गया? डॉक्टर बहन जी ने बताया था कि साफ सफाई ना रखने की वजह से ये संक्रमण हो जाता है। उन्होंने दवा भी दी और कहा है कि जब तक मैं पूरी तरह से ठीक ना हो जाऊं हमें शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए, वरना ये संक्रमण तुम्हें भी हो सकता है। वैसे उन्होंने ये भी कहा है कि जितनी जल्दी हो सके तुम्हें भी जांच करवा लेनी चाहिए। क्या बकवास कर रही है? मैं क्यों जांच करवाऊंगा? और मुझे तो लगा तुम्हें भी मामूली पेट दर्द की तकलीफ है। पहले मुझे भी ऐसे ही लगा था पर वहां जाकर जांच के बाद ही पता चला। पर अब मैं क्यों जांच करवाऊं? संक्रमण तुझे, तूने करवा ली ना जांच? मुझे बस इस बात की फिक्र है कि कहीं एचआईवी का संक्रमण ना हो, इसीलिए हम दोनों को जांच करवा लेनी चाहिए। डॉक्टर बहन जी ने भी यही कहा था। एचआईवी? मतलब है एड्स? हाँ वही। पर ये एड्स का संक्रमण मुझे, ये तुम्हें क्यों होगा? कहीं तुम मुझसे कुछ छिपा रही हो? मैं तुमसे कुछ क्यों छुपाऊंगी? जांच करवाने में हर्ज ही क्या है? डॉक्टर साहब ने कहा था कि इस तरह के संक्रमण में पति और पत्नी दोनों को जांच करवानी चाहिए, और अगर दोनों को संक्रमण निकले तो जितनी जल्दी हो सके उसका इलाज शुरू करना चाहिए। अब अगर हम जांच के लिए जा ही रहे हैं तो एचआईवी की भी जांच करवा लेंगे। कम से कम मन की उलझन तो दूर हो जाएगी, और फिर उधर शहर में तुम। शहर? क्या शहर? बात पूरी कर अपनी। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? मैं तो बस इतना कह रही थी कि यहाँ गांव में जो सलोनी है उसके पति को भी एचआईवी संक्रमण गलती से। तो क्या? मैं सब समझ रहा हूँ क्या कह रही है तू,
मतलब मैं तेरे साथ धोखा कर रहा हूँ? मतलब मैं वहाँ दूसरी औरतों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा हूँ? तुम बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। अब और कहने को बाकी क्या रह गया है? मैं वहाँ शहर में सैर सपाटा करता हूँ, मेरे वहाँ पे औरतों के साथ गलत संबंध है और वहीं से मुझे ये HIV का संक्रमण लगा है। क्यों, सब समझ रहा हूँ मैं। एक बात बता, कभी अपनी करतूतों को देखा है तुमने? करतूत? कैसी करतूत? ज्यादा बन मत। गांव के छोकरों के साथ गपबाजी करते देखा है मैंने, और यहाँ रहकर न जाने क्या क्या करती होगी, मुझे क्या मालूम। हे देवी भैया, क्या क्या बोल रहे हो तुम? मैंने तो सिर्फ तुम्हें जांच करवाने के लिए कहा। मुझे RTI संक्रमण है, तुम्हें ना हो जाए, तुम्हारा इलाज हो सके और कहीं HIV संक्रमण ना हो, इसीलिए डॉक्टर साहिबा ने हमें जांच के लिए कहा था। और तुम? अच्छा, इतना यकीन अपने ऊपर, तो फिर जांच करवाने से क्यों डरते हो? चलो चलो, चल के जांच करवाओ।